दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए दावा किया कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। उनके सामने अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अभी से आम आदमी पार्टी के जीत के दावा करने शुरू कर दिए हैं। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए और जोश भरते हुए कहा कि आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनसे दिल्ली वाले अनजान नहीं, लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली वाले चौथी बार जरूर जिता कर भेजेंगे। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी अभी से चुनावी मैदान में उतर गई है। पार्टी के नेता, मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता लगातार दिल्ली वालों से संपर्क साधने में लगे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता पदयात्रा के जरिए लगातार दिल्ली वालों से संवाद कर रहे हैं। दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उनके इस दावे में कितना दम है ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी न्यूज़।